सर्विस है और ये आज हम लोग को आज डिलीवरी नहीं मिला, पहले ही मिला था तो हम लोग खोले नहीं थे, मैं घर पे नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे खोल के चेक किया कि इसमें रिटर्न पॉलिसी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर ठीक से नहीं चला तो रिटर्न करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने इसे पहले खोल के चेक किया मशीन ठीक है, उसके बाद ऐसे रखा था। आज मैं इसे खोल तो नहीं रही हूँ, खुला हुआ ही है, बस आज मैं इसे चला के देखूंगी कैसा है क्या है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और मैं कुछ भी नया खरीदूं, वो घर में पहनने वाला सैंडल क्यों ना हो या कुछ बर्तन क्यों ना हो, कपड़ा हो या कुछ भी हो, मैं कुछ भी खरीदूं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें है कैसे खोल के रखा है, एकदम इसका हालत खराब कर दिया है, हैवेल्स का जूसर मिक्सर ग्राइंडर। ऐसे मेरे पास एक मिक्सर ग्राइंडर है बजाज का, लेकिन मिक्सर और ग्राइंडर है, जूसर नहीं है। तो मैंने बहुत सर्च मारा, जूसर का दाम इतना ज्यादा दिखा रहा था तो मुझे यही ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर तीनों ही हो जाएगा, और मेरा पुराना मिक्सर ग्राइंडर था एक जार भी खराब हो चुका था, इसलिए मुझे चाहिए ही था तो मैंने मंगवाया। और इसका MRP कितना है मुझे याद नहीं है, मुझे ऑफर में मिला था, ऑफर में भी मुझे कितना में मिला, कितना में मिला, 3800 मुझे 3800 में मिला, प्राइस का और भी था, पूजा डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने उसी टाइम पे मंगवाया है, इसलिए मुझे 3800 में मिला। इसके साथ ये वारंटी कागज वगैरह आया है, मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट देख के, इतने दिनों बाद मैं खोल रही हूँ। जूसर भी है प्लस शेक्स वगैरह भी बना सकते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह, फ्रूट शेक्स, तो ये इसमें जूसर का जूस, इसमें इस पूरा पैकेज में दो जूसर जार है, एक ये और ये स्ट्रेन करने का, मुझे पता नहीं कैसे फिट होता है, मुझे भी देखना पड़ेगा, ये सभी दो जूसर जार है, एक तो ये और एक ये, इसमें सारा जूस कलेक्ट होता है,
मैंने अभी चला के नहीं देखा, जस्ट मैंने रिव्यू में कैसे देखा था, मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ। जैसे कुछ भी फ्रूट्स का जूस वगैरह निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स काट के दे सकते हैं और इसे प्रेस करना है। यहाँ पे सारा बटन है 3, 2, 1 सब, और यहाँ से जूस जाके यहाँ पे कलेक्ट होगा, इसमें कलेक्ट होगा। ये जूसर जार हो गया। देन अगर हम लोग को जूस ना बना के हम लोग को कुछ ग्राइंड करना हो इसमें होता है और इसमें स्ट्रेन भी हो जाता है, और जूस जाके यहाँ पे एक होल है, इस होल से यहाँ पे एक होल है, इस होल से कलेक्ट हो जाके यहाँ पे कलेक्ट होता है जूसर। ये अगर हम लोग निकाल दे तो है ये मिक्सर और ग्राइंडर, जिसमें हम लोग ये जार फिटिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ ग्राइंड करना हो तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने अभी तक इसे प्रैक्टिकली यूज नहीं किया। मैं यूज करने के बाद ही आप लोग को रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है। ऐसे बाय लुक्स मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और अभी यूज करके देखती हूँ। अच्छा, मेरा हस्बैंड बोल रहे चॉइस किसका है ये। हाँ, एक्चुअली इन्होंने ये ऐड किया था, मतलब सर्च मार के इनको मिला तो उन्होंने ऐड टू कार्ट करके रखा था, तो सारा क्रेडिट इनका। अगर मशीन खराब निकला तो वो फॉल्ट भी इनके ऊपर ही जाएगा। तो ठीक है, मैं यूज करके फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये कैसा है। अब मैं इस चटनी जार में धनिया की चटनी बना के देखूंगी कि इसमें कैसा पेस्ट होता है। इसके लिए मैंने धनिया पत्ता, देन अदरक और लहसुन, और प्लस मैंने नमक और हरी मिर्च ऐड किया है। देखती हूँ ये कैसा पेस्ट बनता है। ये मेरा पेस्ट बन के रेडी है, और ये बहुत अच्छा पेस्ट बना है। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। तो मेरे से 100% नहीं, 90% मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं फ्रूट जूस बना रही हूँ, तो फ्रूट जूस में मैं अभी अनार का जूस बनाऊंगी, तो देखती हूँ कैसा है। ये रहा मेरा अनार का जूस बन के रेडी है। सच में ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मशीन मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं।